हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य मिश्रा क्लासेस में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये योजना की वीडियो 4 है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास के अंदर जो हम तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, ठीक है, तो इसी का पार्ट 4 है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें इसका लाभ मिल सके, आपको इसका लाभ मिल सके और हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन के साथ वीडियोस बना सकें। तो चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ वुमेन सुपरवाइजर या फिर महिला पर्यवेक्षक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सबसे पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप एक बार अपने मन में सोचिए कि अगर क्या बोलते हैं, एक आंगनबाड़ी के अंदर कितनी महिला सहायक होती होंगी, ठीक है, या फिर कितनी क्या बोलते हैं आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती होंगी। ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। आज मैं सोच रहा था क्वेश्चन सीरीज टेस्ट सीरीज टाइप ऑफ बना रहा हूँ आप लोग के लिए, तो वहां पे मैं ऐसे क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ, ठीक है। और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होने वाली है, वो नेक्स्ट वीडियो अपनी क्या होने वाली है, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानून, ठीक है, इन लोगों के लिए क्या क्या कानून है, तो मैं वन वर्ड में वो भी बता दूंगा एक वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो हम ये ऐसे क्वेश्चन भी डालेंगे कि क्या बोलते हैं, एक आंगनबाड़ी के अंदर कितने महिला कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, महिला पर्यवेक्षक कितनी आंगनबाड़ियों को एक साथ संभालती है, तो 25 आंगनबाड़ियों को टोटल, मतलब एक महिला पर्यवेक्षक के अंदर 25 आंगनबाड़ियां होती है जो कि वो ऑपरेट करती है, क्या बोलते हैं, सब जगह जा जाकर विजिट, ज्वाइंट विजिट होती है उनकी, कभी कलेक्टर साहब कभी डिप्टी डीएम के साथ ऐसे करके ज्वाइंट विजिट भी होती है, ताकि वो वहां पे मतलब जो टाइम टेबल उनका चल रहा है कि आज दलिया मिलने वाला है, आज क्या मिलने वाला है, तो वो मतलब देख सकें किस तरीके से वहां पे प्रोसीजर हो रहा है, किस तरीके से वो वर्किंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है, टॉपिक देख लेते हैं क्या है कैसा है, और उसके बाद मैं आपको एक और मतलब क्विज टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा, आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखिएगा, ठीक है। एक महिला क्या बोलते कार्यकर्ता, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है, उसकी तनख्वाह कितनी होती है, उसकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक का पेपर है तो महिला पर्यवेक्षक की सैलरी पूछ सकता है, लेकिन अगर नहीं पूछा तो ये महिला आपका क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सैलरी जरूर पूछ सकता है। तो आपको एक बार याद रखना है, मतलब कि राज्य सरकार कितना परसेंट देती है और केंद्र सरकार कितना परसेंट देती है और टोटल सैलरी कितनी है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन में मतलब योजना में आते हैं। तो पहली योजना का नाम है बालिका समृद्धि योजना, ठीक है, बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये आपको स्टार्ट की गई थी 15 अगस्त 1997 को, ठीक है, 15 अगस्त 1997 को ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है। 15 अगस्त 1997 के बाद गरीबी रेखा के नीचे जन्मी, जो भी गरीबी रेखा से नीचे जन्मी हुई बालिकाएं हैं, ठीक है, बालिका। अब इसमें एक परिवार के अंदर 4-5 बालिकाएं भी होती हैं, कई बार क्या होता है, तो इसलिए यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया गया है केवल 2 बालिकाओं, ठीक है, के नाम पर 500 रूपये का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट उनके लिए किया जाएगा। बालिका समृद्धि योजना का मेन थीम ये था, क्या बोलते दोस्तों, कि इसमें क्या होता था कि उस समय लोग बेटियों से डरते थे, डरते मतलब कि बेटी अगर हो जाएगी तो खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी शादी कराना, उसकी पढ़ाई कराना और उसके बेमतलब के खर्चे को, कि वो हमारे लिए क्या बनी बनेगी, एक एसेट का रूप भी नहीं बनेगी, कि मतलब लड़का रहता है तो चलो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसा सोचते थे लोग उस समय, लोगों की सोच थी, इसलिए सरकार उनकी हेल्प करने के लिए बेटियों के लिए ये योजना चलाती थी, ठीक है। ये योजना अभी भी चल रही है, ठीक है, 500 रूपये की फिक्स डिपॉजिट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राशि पालिका और विभागीय अधिकारी, जो भी वहां का विभागीय अधिकारी होगा, जो कि जिसके अंदर क्या बोलते हैं आपका ये बाल विकास अधिकारी जो भी होगा वहां का उस जिले का, ठीक है, उसके उसके नाम से ज्वाइंट अकाउंट बनता है, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट बनता है। ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है, 18 साल तक उसके क्या बोलते हैं अकाउंट में सरकार की तरफ से 500 रूपये डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसे विड्रॉ किया जाता है जब 18 साल में जब वो पहुंच जाती है, 17 साल तक डाला जाता है, जैसे ही 18 साल लगता है जिस डेट में डाला जाता है उस डेट में क्या हो जाता है, वो विड्रॉ कर सकते हैं अपनी राशि को, ठीक है। वो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म में अधिकारी द्वारा साइन किया जाता है, जो भी प्रेजेंट अधिकारी होगा और जो उस समय अधिकारी रहा होगा वो वेरीफाई करके अपना साइन करके इनको दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे और ये अपनी पूरी राशि प्राप्त कर सकती है, जो भी ये 2 बेटियां होंगी, ठीक है, इनकी ये जो 18 साल के बाद इनकी जो राशि है ये तो या तो पढ़ाई में यूज कर सकते हैं या तो अपनी शादी वगैरह में यूज कर सकते हैं, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना के उद्देश्य क्या क्या है, तो जो मैंने आपको बताया वही है, बालिका शिशु एवं उसके परिवार को सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है, तो वो गरीबी से गुजर रहे हैं, अपनी बेटी को पाल नहीं सकते तो उससे उनको एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बालिका भ्रूण हत्या को रोक करना, ठीक है, जो मतलब आपका उनकी हत्या होती थी या फिर उनको नहीं पैदा किया जाता था, अबॉर्ट किया जाता था, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पढ़ाने हेतु प्रोत्साहन सहयोग, बालिका विवाह को रोकना, ठीक है, मतलब क्या होता था, 12-13 वर्ष में ही शादी कर दी जाती थी, तो इसे अब अगर 18 वर्ष तक, अगर जब तक क्या बोलते हैं आपका
पैसा विड्रॉ नहीं होगा तो शादी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी एक आर्थिक मतलब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी योजना देख लेते हैं हम कौन सी योजना है। तो ये दूसरी योजना है आपका जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना का मतलब क्या है दोस्तों? जननी सुरक्षा का योजना का मतलब यह है गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भवती अवस्था के समय चिकित्सा एवं आर्थिक सपोर्ट देना। ठीक है, क्या हो उसको मेडिकल फैसिलिटी देना उनको। ठीक है, जैसे कि कोई आंगनबाड़ी किसी कोई गांव के अंदर एक आंगनबाड़ी है और वहां पे कोई महिला अगर क्या बोलते हैं गर्भवती है तो उसको किस तरीके से क्या क्या सपोर्ट मिल सकते हैं वो देखना। तो जिसकी आयु 19 वर्ष हो, यहाँ पे भी आयु दिया गया है, कोई भी मतलब महिला 17-18 वर्ष की अगर प्रेग्नेंट रहती है तो उसको ये स्कीम नहीं मिलेगी, और वे तो होना भी नहीं है क्योंकि ये क्या है बिलो दी एज है। ठीक है, इसके लिए आपका कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, हम कानूनी वाले जो पढ़ेंगे महिला एवं बच्चों से संबंधित कानून तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये देख लेते हैं 19 वर्ष जिसकी आयु 19 वर्ष है घर पर प्रसव करने पर अगर कोई क्या बोलते हैं महिला एवं बाल विकास द्वारा ये नियम निकाले गए थे कि अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर कोई आंगनबाड़ी की महिला जो कार्यकर्ता है वो अगर आती है और आपके सब आपको एक फॉर्म में सिग्नेचर करके देती है तो घर पर प्रसव करने पर 500 रूपये की मुआवजा मिला जाएगा, 500 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिली जाएगी। ठीक है, उसके बाद मितानिन के आधारित कार्य को प्रोत्साहन देना। ठीक है, मितानिन होती है यहाँ पे जैसे बहुत जगह गांव गांव में क्या होती है मितानिन होती है। ठीक है, मितानिन मतलब जो आपको सपोर्ट करती है मेडिकली, और आपको जब आप गर्भवती हो रहते हैं तब आपको बताती है कि क्या क्या योजना चल रही है सरकार की, क्या क्या पोषण तत्व खाने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्योंकि गाँव के लोगों को बहुत सारे लोग जो नए मतलब नई मॉम बनती है उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना है अगर उनके पेरेंट्स ना हो तो। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में आपका गांव आता है तो आपको 1400 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी बेबी होने पर। ठीक है, बच्चा होने पर 1400 रूपये की राशि मिलेगी। ठीक है, और अगर आपका जो शहरी क्षेत्र आता है जैसे कि आपका बिलासपुर के आसपास के जो बिलासपुर के अंदर या फिर उसके आसपास के जो क्षेत्र है ये शहरी क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है, आप देख लेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आता है आपका इलाका के शहरी क्षेत्र में जो भी इलाके में आता है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपको 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, यहाँ पे 1400 रूपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ठीक है, जिससे कि आप अपनी दवाइयां ले सके, आप अपने कुछ खाने पीने की प्रोटीन तत्व वाली चीजें ले सके, ये सब ले सके। ये योजना का लाभ उस महिला को मिलेगा जिसके 3 प्रसव के दौरान बाधिकरण कराया गया हो। ठीक है, ये योजना का लाभ उनको भी मिलेगा। ठीक है, जिनके 3 प्रसव मतलब कि 3 बेबी हो गया है उसके बाद उन्होंने क्या बोली नसबंदी करा ली है तो उनको भी ये योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये नेक्स्ट वाली अपनी स्कीम क्या है। ठीक है, ये है महिला सिलाई कढ़ाई परीक्षण योजना। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, इसमें महिला और जो बालिकाएं हैं उनको क्या किया गया है उन्हें सिलाई कढ़ाई का परीक्षण दिया गया है ताकि वो स्वयं अपने दम पे खड़ी हो सके, अपने दम पे सिलाई कढ़ाई के माध्यम से वो कुछ पैसे अर्न कर सके, पैसे कमा सके। ठीक है, तो जो स्वयं सहायता समूह है वहां पे भी बहुत सारी सिलाई कढ़ाई वाली महिलाएं जुड़कर काम करती हैं और ये अलग इंडिपेंडेंट क्या बोलते हैं आपका सरकार ने नियम निकाला है। ठीक है, तो 15 से 45 वर्ष तक की जो महिला और बालिकाएं हैं, ठीक है, उनको कम से कम 5वीं पढ़ी लिखी महिला को जनवरी से दिसंबर तक ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, आपका कम से कम 5वीं तक पढ़ी लिखी होनी चाहिए महिला। ठीक है, और उसके लिए दिसंबर से जनवरी तक एक डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनको। ठीक है, ताकि वो अभी कहीं पे भी जाए बाहर, जैसे मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ में महिला परीक्षण करी है, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका सिलाई एवं कढ़ाई योजना करी का परीक्षण है उसका और उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बाहर जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत जाती है। ठीक है, आजकल लेकिन क्या हो गया सर्टिफिकेट से ज्यादा हुनर की वैल्यू होगी कि आप अगर वहां पे सामने वाले को दिखाएंगे कि भैया क्या बोलते हैं मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है मैं ये कर सकती हूँ और वहां पे प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है ताकि आप रिटर्न ऑन रिटर्न दिखा सकें कि मैंने इस डेट पे इस जगह से इस क्या बोलते हैं स्कूल से या फिर कॉलेज से मैंने ये डिग्री पास करी है। ठीक है, तो इस सेशन में पास करी है तो इससे क्या आपकी एज का भी लगाया जा सकता है अनुमान और बाकी चीजों का भी जो क्या बोलते डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होती है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ स्कीम्स थी जो मैंने बताई। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी महिला बच्चों से संबंधित कानून, महिला एवं बच्चों से संबंधित कानून, वहां पे हम आपको और डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और 90% आने की संभावना है। आपको चैनल को क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा विजिट करिए, प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो मिलेंगी आपको। महिला पर्यवेक्षक को इस बार आपको क्रैक करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं बोला था स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या बोलते हैं आपको महिला जो कार्यकर्ता होती है, ठीक है, आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता होती है उसकी सैलरी कितनी होती है। ठीक है, तो उसकी सैलरी जो होती है वो 6500 रूपये होती है।
ठीक है 6500 रुपए उसकी सैलरी होती है, ठीक है। तो सर 6500 रुपए क्या पूरा केंद्र सरकार देती है या पूरा राज्य सरकार देती है? तो इसमें क्या है 2000 रुपए राज्य सरकार देती है, ठीक है, और उसके बाद 4000 रुपए केंद्र सरकार देती है, ठीक है, मतलब 4500 रुपए, 4500 रुपए क्या देती है केंद्र सरकार देती है, ठीक है, ये था, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूरा पैसा 6500 रुपए मतलब 6500 रुपीज पूरा सरकार राज्य सरकार देती है कि केंद्र सरकार देती है कि दोनों देती है? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की भी मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगामी जो अभी आपको नोटिफिकेशन नहीं आया है बट अभी केवल चर्चा चल रही है पूरे सराउंडिंग में, ठीक है, बिलासपुर में और आसपास आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, कम से कम 200 पद, ठीक है, 200 पद पटवारी के आने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड भी हम वीडियो सीरीज बनाना शुरू करने वाले हैं, और सबसे पहली वीडियो जो आने वाली है वो सिलेबस से रिलेटेड आने वाली है, और उसके बाद जो वीडियो आएगी हमारी सीरीज स्टार्ट होगी कंप्यूटर से रिलेटेड होगी, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है लगभग आपको 30 से 35 नंबर की कंप्यूटर आती है यहाँ पे, ठीक है। तो कंप्यूटर अगर आप फिक्स कर लेते हैं, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, तो ये वाले पार्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप लगभग 100 से 110 नंबर ला सकते हैं, और लगभग यही क्वालिफाइंग नंबर जाते हैं जनरल कास्ट के लिए। तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फेसबुक में डालिएगा, व्हाट्सएप में डालिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।